आज हम यहां पर बैठे हुए हैं, हमारे बीच में एक बहुत बड़ा चित्र उस महान 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 शख्सियत मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज का लगा हुआ है। उनके एक साइड में एक चित्र उस महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लगा हुआ है। मुझे खुशी हुई, मैंने आकर यहाँ के मैनेजमेंट को एक बात के लिए बधाई दी कि मुझे अच्छा लगा कि सतगुरु रविदास जी के साथ आज बाबा साहब का स्थान भी मंदिरों में सुनिश्चित हो गया। मैंने पहली बार, मैं लगभग 9 साल से इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाता हूं, मुझे बहुत कम स्थान के ऊपर यह देखने को मिलता है कि मेरे सतगुरु साहेब के साथ बाबा साहब को भी स्थान मिल जाए। मैं आप लोगों के बीच में केवल एक बात के साथ अपनी बात को प्रारंभ करूंगा कि ये दो शख्सियतों की हम बात करते हैं, क्या इन शख्सियतों के बीच में कोई अंतर है? क्या हमें कोई फर्क नजर आता है? क्या इनके विचारों में कोई अंतर है? किस कारण से हम इन दोनों के विचारों को अलग अलग करके देखते हैं? सतगुरु रविदास जी महाराज जो आज से लगभग 637 साल पहले हमारे बीच में आए, मुझसे पहले मेरे बड़े भाई पाखी जी ने एक शब्द का जिक्र किया था, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए। आप सब लोग वाणी को जानने वाले हैं, सतगुरु साहेब के चरणों से जुड़ने वाले हैं, आप लोग जानते होंगे शब्द का अर्थ क्या है। सतगुरु रविदास जी महाराज आपको इशारे से समझाते हैं कि मेरे समाज के लोगों, पढ़ो लिखो और उस पढ़ाई लिखाई से ज्ञान से प्राप्त होने वाले गुणों को अपने अंगीकृत करके अपने आप को रोशन दिमाग कर लो। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं? शिक्षित बनो। 637 साल पहले की विचारधारा मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक शब्द के अंदर आपके सामने रख दी कि मेरे समाज के लोगों शिक्षित हो जाओ। मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, उन्होंने अपनी वाणी में फरमान किया है कि सतसंगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा। सतगुरु रविदास जी महाराज आपको कहते हैं कि हे मेरे कौम के लोगों, इस प्रकार एकत्र हो जाओ जैसे कि शहद की मक्खियां। अगर तुम्हारे समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है तो जैसे हम एक शहद की मक्खी को छेड़ते हैं तो पूरी शहद की मक्खियों का जत्था हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है और तब तक पीछा नहीं छोड़ते। कब तक? मेरे बुजुर्ग जानते हैं, अगर किसी के पीछे शहद की मक्खियां पड़ जाए तो दूसरा देखने वाला क्या चिल्ला के बोलता है, जमीन पर लेटना शुरू कर दे, तेरा पीछा छोड़ देंगे। क्यों, ये बात झूठ है क्या? तो बाबा साहब मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज ने आपको कहा कि जब आपके कौम के किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है तो आपको चाहिए कि उस शहद की मक्खियों की तरह उनके ऊपर टूट पड़ो और तब तक पीछा मत छोड़ो जब तक कि वो तुम्हारे सामने आपके पांव में लेटना शुरू ना कर दे। आप केवल उनको संत के रूप में देखते हो, आप सोचते हो कि हम उनके सामने ज्योत जला देंगे, वो हमारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। चित्र से बात नहीं बनेगी मित्रों, मेरी माताओं बहनों, बात बनेगी चरित्र से कि उनका चरित्र क्या कहता था। मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज केवल कोई एक संत नहीं थे, वो थे संत सिपाही जो जानते थे कि लड़ाई लड़ी कैसे जाती है। इसीलिए उन्होंने आपको भेड़ बकरी का उदाहरण नहीं दिया, वो कह सकते थे कि भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठे हो जाओ। भेड़ भी देखने में देखते हैं, एक भेड़ जिधर चलती है सारी चल पड़ती है, कहानी पढ़ी होगी सबने, एक बकरी कुएं में गिरी तो बाकी सब भी कुएं में गिर गई। मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज ने आपको उदाहरण दिया उसका जो दुश्मन को तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि सामने वाला जमीन पर ना लेट जाए। बाबा साहब क्या कहते हैं? संगठित हो जाओ। क्या कोई अंतर नजर आया अब तक? तीसरी बात मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, सुरा है सो पहचानिए जो लड़े धर्म के हेत, पुर्जा पुर्जा कट बुई गिरा ताऊ न छाडे खेत। सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि जो दीन दुखी की सेवा के लिए धर्म का अर्थ किसी प्रकार के स्वरूप से नहीं है दोस्तों, धर्म का अर्थ होता है जो आपको भय से मुक्ति दे दे। जो धर्म आपको डरा दे वो धर्म धर्म नहीं होता। धर्म वो जिसके अंदर जाने के बाद, जहां पर आपका सर झुकाने के बाद आपकी आत्मा एक उज्जवल हो जाए, प्रकाशमान हो जाए और इस प्रकार से उज्जवल होकर विचरने लगे कि आज मुझे किसी बात का डर नहीं, धर्म उस बात का नाम होता है। तो सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि दीन दुखी के लिए जो अपने प्राणों की बलि चढ़ा देता है, एक्चुअली सच्चा सूर वो होता है।
बाबा मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज ने ये बोला कि संघर्ष करो दीन दुखियों के लिए, जो दबा कुचला समाज है जिसकी तरफ कोई देखता नहीं उसके लिए संघर्ष करो। और मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं संघर्ष करो। मैंने आपके बीच में तीन बातें रखी दोस्तों, मेरी माताओं बहनों मुझे बताइए कि आपको इन दोनों शख्सियतों के बीच में कौन सा अंतर नजर आता है। अंतर है केवल इतना कि जब सतगुरु रविदास जी महाराज आए वो समय इतना भयवाहक था, मेरे लोगों के ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा होता था। सतगुरु रविदास जी महाराज ये जानते थे कि अगर मैं इन लोगों को सीधी सरल भाषा में कोई बात बोलूंगा, आम स्वरूप में कोई बात बोलूंगा तो ये मेरी बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो उन्होंने उस बात को समझा कि एक चीज के पीछे चलते हैं और वो है चोला। उन्होंने कहा लो भैया मैं ये चोला डाल के ही तुमसे बात करता हूं, मत इस भूल में रहिए आप लोग कि सतगुरु रविदास जी महाराज केवल एक कोई संत थे नहीं, वो एक महामानव योद्धा थे जो जंग लड़ना जानते थे, जो ये जानते थे कि मेरा समाज जागृत कैसे होगा। ये तो मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज की वो असीम कृपाएं हैं जिसका अगर मैं जिक्र करने लगूंगा तो शायद ये रात छोटी पड़ जाएगी, लेकिन मैं सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में आपके चित को जोड़कर उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ चलूंगा। मेरी बात बुरी लगेगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्या बोलूं, जब बात बुरी है तो बुरी तरीके से ही बोली जाएगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरी माताओं बहनों, जिस दिन आपका बच्चा पहले दिन स्कूल के लिए निकलता है आपके मन में पहला विचार क्या आता है? आप उस बच्चे को कौन सी शिक्षा पहले दिन देते हो? और जो माता जो बहन इस बात को जानती है कि मेरे बच्चे के लिए सही मायने में स्कूल जाते समय सबसे अच्छी दवाई कौन सी है, सबसे अच्छा आशीर्वाद कौन सा है, उस माता बहन का बच्चा कभी अपने रास्ते से भ्रमित हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे भ्रमित क्यों होते हैं, वो प्रॉपर शिक्षा प्राप्त क्यों नहीं कर पाते, उसकी तरफ आपका ध्यान जरा ला दूं। जिस दिन हमारा बच्चा स्कूल में जाता है उससे पहले ही हम अपने बच्चों के दिमाग में 33, 34, 35 करोड़ के देवी देवता बिठा देते हैं। और जिस दिन बच्चा स्कूल में जाता है हम उनको बोलते हैं कि बेटा फला मंदिर में मत्था टेक के चले जाना, इससे तुम्हारी शिक्षा अच्छी चलेगी। बच्चे के दिमाग में एक चीज आती है, शिक्षा से बढ़कर भी कोई पत्थर होता है जिसके सामने मत्था टेक लेने से मेरे जीवन के अंदर शिक्षा आ सकती है, और उसके कारण से हमारा बच्चा हमेशा भाग्यवादी बन के रहता है, वो कभी कर्मवादी बन नहीं पाता।